अपने सैकड़ों मील लंबे ऊँटों के काफिले के साथ वो यात्रा पर निकला था। करीब 100 ऊँटों में हर एक पर 135 किलो सोना लदा हुआ था। उसके इस विशाल काफिले को देखकर लोग अचंभित हो रहे थे। वो अपने साथ एक पूरा शहर लेकर चल रहा था। वो इजिप्ट, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या भारत का कोई शासक नहीं था, बल्कि वो था अफ्रीका के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक मंसा मूसा। मंसा मूसा हिस्ट्री में सबसे कम जाना जाने वाला एक शासक हो सकता है, लेकिन वो इतिहास का सबसे अमीर इंसान था। उसके पास इतना पैसा था जिससे बुर्ज खलीफा जैसी 300 बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। मंसा मूसा आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों से भी कई गुना ज़्यादा डॉलर्स का मालिक था। आज दुनिया में ज़्यादातर अमीर लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन उसने अपना एम्पायर नमक और सोने के व्यापार से खड़ा किया था। जानते हैं सब कुछ मंसा मूसा के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। मंसा मूसा पश्चिमी अफ्रीका के माली साम्राज्य का शासक था। इतिहास के बड़े बड़े प्रोफेसर्स का मानना है कि मंसा मूसा के पास कितनी दौलत थी इसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। हालांकि कुछ सोर्सेस के अनुसार उसकी कुल संपत्ति 400 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है, पर कहा जाता है कि उसकी संपत्ति की गणना करना असंभव है। 2019 की फोर्ब्स की सबसे अमीर लोगों की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस की कुल संपत्ति भी 131 बिलियन डॉलर्स ही है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मंसा मूसा एक नाम नहीं बल्कि एक लेजेंड था। माली साम्राज्य अफ्रीका का सबसे बड़ा और अमीर साम्राज्य था, जो 1240 से 1645 तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना सुंदरता केता ने की थी। माली साम्राज्य घाना, टेडमेका, सोंघाई से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ था। व्यापार की दृष्टि से माली साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर तिम्बकतू था, जो कि नाइजर नदी के किनारे पर था, जबकि माली की कैपिटल नायनी थी। नमक और सोने के व्यापार ने मंसा मूसा को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया था। मूसा का जन्म 1280 में माली के राजघराने में हुआ था। मूसा का पूरा नाम मंसा कानकू मूसा था, जो 1312 में माली का राजा बना था। मूसा से पहले उसके भाई मंसा अबू बकर ने 1312 तक शासन किया था। अबू बकर बहुत महत्वाकांक्षी इंसान था। वो अटलांटिक महासागर को पार कर उससे आगे की दुनिया को देखना चाहता था, इसलिए वो 2000 जहाजों के बेड़े और हजारों सैनिकों और दासों के साथ अटलांटिक ओशियन महाअभियान पर चल पड़ा। लेकिन वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। कुछ अमेरिकी इतिहासकारों का मानना है कि वो दक्षिणी अमेरिका पहुंचा था, लेकिन इसके कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। अबू बकर के जाने के बाद मंसा मूसा माली का शासक बना। मंसा एक प्रकार का टाइटल है जो माली के राजा को दिया जाता था। मंसा मूसा ने अबू बकर के बाद माली साम्राज्य को इतना विशाल बना दिया कि ये मंगोल साम्राज्य के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। मूसा ने 24 शहरों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। मूसा का साम्राज्य 2000 मील तक फैल चुका था। मूसा के पास 1,00,000 की पैदल सेना और 10,000 घुड़सवारों की सेना थी। मूसा का साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि उसे अपने साम्राज्य को छोटे छोटे राज्यों में बांटना पड़ा और सभी राज्यों के लिए गवर्नर्स की नियुक्ति की गई, जिन्हें फरबा कहा जाता था। मूसा ने व्यापार के लिए टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया और सोने चांदी की खदानों की बदौलत मूसा बन गया था इतिहास का सबसे अमीर आदमी। पूरी दुनिया में मौजूद सोने का आधा सिर्फ मूसा के पास था। मक्का की यात्रा। मूसा इतिहास का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन उसकी इस विशाल धन संपदा और दौलत के बारे में बाहर की दुनिया को ज़्यादा पता नहीं था, जब तक मूसा ने मक्का की यात्रा नहीं की थी। मंसा मूसा एक मुस्लिम शासक था, इसलिए किसी भी मुस्लिम की तरह वो भी मक्का की तीर्थ यात्रा करना चाहता था। उसकी यह तीर्थ यात्रा दुनिया को उसकी अकूत धन संपदा के दर्शन करवाने वाली थी, और मूसा चल पड़ा था मक्का की यात्रा पर अपने 60,000 लोगों के साथ। मूसा ने सहारा रेगिस्तान और इजिप्ट से होकर मक्का तक की यात्रा पूरी की। मूसा अपने साथ एक पूरा शहर लेकर चल पड़ा था।
उसके साथ पूरा शाही परिवार, सेना, व्यापारी, दासों के साथ साथ नाचने गाने वाले भी इस यात्रा पर गए थे। मूसा के इस काफिले में 100 से अधिक ऊंट ऐसे थे जिन पर सैकड़ों किलो सोना लदा हुआ था, जिसे मूसा रास्ते में मिलने वाले गरीबों भिखारियों में बांटता हुआ आगे बढ़ रहा था। मनसा मूसा की इजिप्ट यात्रा। मनसा मूसा की मक्का यात्रा का सबसे रोमांचक समय वो था जब वो कायरो शहर में पहुंचा। मूसा की यात्रा में लोगों की इतनी भीड़ और उसकी शानो शौकत को देखकर शहर के लोग हक्के बक्के रह गए। मूसा का ऊँटों का कारवां सहारा रेगिस्तान को पार करता हुआ इजिप्ट पहुंचा, जिसे देखकर इजिप्ट सम्राट भी दंग रह गया। इतिहास की माने तो कारवां में 100 ऊँटों में हर एक पर 135 किलो सोना लदा था। यहां तक कि 500 के करीब दासों ने भी सोना उठा रखा था। मनसा मूसा ने कायरो शहर में गरीबों को देखकर उन पर सोने के सिक्के फेंके। मूसा के साथ आए लोगों ने कायरो शहर में इतनी खरीदारी की कि कायरो में गोल्ड दिनार की कीमत 20% गिर गई, जिसे फिर से उसी स्तर तक पहुंचने में 12 सालों का समय लगा। उस वक्त कायरा के लोगों ने इस मौके का अच्छा लाभ उठाने की कोशिश की और अपने सामान के रेट बढ़ा दिए, जिससे थोड़े समय में ही उन्हें बहुत फायदा हुआ, लेकिन लंबे समय तक वो नुकसान देने वाला था। जब माली का सुल्तान मूसा इजिप्ट के किंग से मिला, तब पहली मुलाकात में ही उसने 50,000 गोल्ड दिनार्स इजिप्ट के सुल्तान को भेंट कर दिए थे। माली का ये सुल्तान कायरा में 3 महीने तक रुका था। माना जाता है कि मूसा की इस तीर्थ यात्रा से मध्य पूर्व को $1.5 बिलियन का नुकसान हुआ था। अपनी यात्रा से वापस आते हुए मूसा फिर से इजिप्ट पहुंचा और वहां की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उसने उस शहर में व्यापारियों से सोना बड़े इंटरेस्ट रेट पर उधार ले लिया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उसके पास सोने की कमी हो चुकी थी। उसके जाने के बाद सालों तक इजिप्ट के लोग उसके बारे में बातें करते रहे। मनसा मूसा की इस यात्रा की खबर अब यूरोप तक पहुंच चुकी थी और मनसा मूसा की इन्हीं कहानियों ने मूसा को और उसके साम्राज्य माली को 1375 में कैटलन एटलस मैप में जगह दिला दी। इस मैप में इस अफ्रीकी सम्राट को तिम्बकतू में सोने के सिंहासन पर हाथ में सोने की छड़ी पकड़े हुए दिखाया गया है। मनसा मूसा की बादशाहत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान उसने अरब में बहुत सी जमीनें और घर खरीद लिए, ताकि उसके बाद जो भी मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाए उसे रहने में कोई परेशानी ना हो। मनसा मूसा ने अपनी यात्रा के दौरान रास्ते में बहुत कुछ देखा। अब उसने सोच लिया था कि वो माली में भी उसी तरह की मस्जिदें, बिल्डिंग्स और यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण करवाएगा। इसीलिए वापस जाते हुए वो अपने साथ आर्किटेक्ट, बुक्स और स्कॉलर्स भी लाया। उसके साथ आए इस्लामिक स्कॉलर्स में कुछ प्रोफेट मोहम्मद के वंशज भी थे। प्रसिद्ध आर्किटेक्ट इशाक अल क्वेजिन ने माली के तिम्बकतू में ग्रेट मॉस्क का निर्माण करवाया, जिसे जिंगरबर कहा जाता है। साथ ही माली की राजधानी में लोगों के बैठने के लिए एक बहुत बड़े चैम्बर का भी निर्माण करवाया गया। उसके इस काम के लिए उसे 200 किलो सोना, जमीन और दास भी दिए गए। इसके साथ ही मूसा ने तिम्बकतू जैसे शहरों में यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल का भी निर्माण करवाया। मस्जिद, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से उसने इस्लाम की शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिसके बाद ये शहर एक पवित्र स्थान समझा जाने लगा। मनसा मूसा की बादशाहत, उसकी यात्रा और तिम्बकतू में उसके द्वारा करवाए गए कामों से तिम्बकतू अब पूरी दुनिया में जाना जाने लगा और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते थे। प्रसिद्ध संकोर यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। आज भी ये स्थान लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। मनसा मूसा की मृत्यु के बाद उसका बेटा मनसा मैघन वन सुल्तान बना। मूसा के बाद माली साम्राज्य 100 साल से अधिक नहीं टिक पाया था और आसपास की दूसरी ताकतों ने इस साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। आपसी फूट भी इस साम्राज्य के विनाश का एक बड़ा कारण बनी, लेकिन मनसा मूसा की बादशाहत आज भी कायम है, क्योंकि जब भी इतिहास के सबसे अमीर इंसानों की बात आएगी तो नाम आएगा मनसा मूसा का।